साबरमती एक्सप्रेस पर जो कार सेवक वापिस आ रहे थे उनमें से 67 लोगों की निर्मम हत्या की गई। उसका प्रत्याघात पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में हुआ। उसकी प्रक्रिया को, रिएक्शन की प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए 28 फरवरी 2002 को नरोड़ा गांव में भी कुछ हादसे हुए जिनमें 11 लोगों की जान गई थी, कुछ मकानों को जलाया गया था, लूटपाट वगैरह का भी आक्षेप था। कोर्ट ने सन 2009 में 83 एक्यूज पे चार्ज फ्रेम किया था जिसमें 153A मतलब दो कौम के बीच में वैमनुष्य फैलाना, हत्याएं करना, लूटपाट करना, आगजनी करना और भी बहुत सारे चार्जेस थे। सभी चार्जेस में थे, सभी एक्यूज को आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। किसी को भी कोर्ट उठते तक की भी कोई सजा नहीं हुआ है। के केस चलाने में माहौल में ऐसा है कि इस केस चलाने में जो न्याय की प्रक्रिया है उसके अंदर जो समय लगता है उस समय के अंदर ये प्रक्रिया में इतना लंबा विलंब हुआ है, लेकिन न्याय देर से मिला लेकिन दुरुस्त से मिला है। हम पीड़ितों की तरफ से जजमेंट की कॉपी आने के बाद इसको डेफिनेटली हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे और हम ये मानते हैं कि 11 लोगों की जो हत्या हुई थी, जिन लोगों को जिंदा जला दिया गया था रास्तों पर और उनके घरों के अंदर, और आज हम एक बार फिर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन 11 लोगों को किसने जिंदा जलाया था, कौन इसके लिए जिम्मेदार था और क्यों आज भी ये पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए तरस रहे हैं और इनको आज भी इंसाफ नहीं मिला। और वो ये एक बार फिर से जो उनको 28 फरवरी 2002 को जो एक फीलिंग थी और उसके बाद जो फीलिंग थी कि इस सरकार में उनको न्याय नहीं मिल सकता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी, इस आशा के साथ कि जो पीड़ितों का विश्वास है वो बना रहेगा और उनको न्याय मिलेगा, लेकिन आज फिर से उसमें एक बार पीड़ितों को कुछ हाथ नहीं लगाया।